हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? नहीं ना? तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहां हम जानेंगे पृथ्वी कैसे बनी है। तो दोस्तों, इस वक्त आप जहां बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जिस जगह पर बैठे हो वो जगह आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान पे उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। और ये दोनों बातें बिल्कुल सच है। इस 15 मिनट के वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा लगातार कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल के कण एक दूसरे से दबने लगे, और इसी दौरान अंतरिक्ष के ये धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंडों और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगा। बीच के इस दबाव के कारण एक बार फिर से भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन होने की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी होते थे, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा कर रहे कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो भी 1900 डिग्री तापमान पर उबलते हुए लावे का, और वो सारी चीजें साथ में उबल रही थी, जिसे आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पे उपस्थित भारी तत्व और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाके इकट्ठा हो गया, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पे आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और गिरते हुए इन उल्कापिंडों में उपस्थित था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलने वाली ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद ये वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर के हिस्से रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता रहता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढके होने के कारण पृथ्वी पर भारी तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निर्माण होता रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी के ऊपर वातावरण न होने की वजह से पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंडों की बरसात होती रहती थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना कम हो गया था, और पृथ्वी का एक दिन लगभग 12 घंटों का हुआ करता था। साल बीतते गए और ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पे ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे, और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैलते गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पे ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए, और उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया
जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जमीन के जैसी लाल हो गई, वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर कई लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण पृथ्वी पे एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड की बारिश की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार घटने लगा, और तापमान इतना घटने लगा कि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित पानी बर्फ में बदलने लगा। ये वही वक्त था जब पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। आम तौर पे जब पृथ्वी पे ये सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीला होता है, जिसके कारण सूरज की किरणें पृथ्वी पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी, इसी कारण पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी के अंदर मौजूद ज्वालामुखी पृथ्वी के बाहर निकलना शुरू हो गई, और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने इन बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे। पानी में मौजूद ऑक्सीजन से वो अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, और इसी समय पानी में छोटे समुद्री पौधे भी उगने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल रही थी, मगर एक बार फिर से एसिड की वर्षा होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी, और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। और ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा, जिसके कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से खुद को विकसित कर रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के अनुसार खुद को ढालते गए। और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे, अब ये सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। एक बार फिर से जब ज्वालामुखी ने पृथ्वी पे मौजूद बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्द ही खुद को विकसित करके फैलने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोस नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी के सतह पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पे मौजूद पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी हो चुकी थी, और ये वही वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ये जमीनी जानवरों में बदलने लगे थे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के वातावरण का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था, और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे, और ये वातावरण के अनुसार उनका रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जीव डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोरों ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल हो गया। कुछ डायनासोर शिकार करने लगे थे, जिसकी वजह से वो छोटे और तेज होने लगे थे। पृथ्वी की ऊपरी स्तर एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान बन चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के आसपास हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन समुद्र के संपर्क में आ गई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की हरियाली बढ़ती गई, और इसी कारण डायनासोर ज्यादा बड़े और विशाल होते गए। डायनासोर आने वाले 20 से 30 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर पानी, जमीन और आकाश में राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आकर आज के तिब्बत से टकराया, और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनी उल्कापिंड पृथ्वी से लगभग 80,000 किलोमीटर की गति से आकर टकराया, जिसके फलस्वरूप भयंकर विस्फोट हुआ, और उसके अंदर से आज के 10 करोड़ परमाणु बम जितना फटने के बराबर ऊर्जा निकली। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर व पेड़ पौधे तुरंत ही नष्ट हो गए, और पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पूरी पृथ्वी बर्बाद होने लगी। डायनासोर गर्मी और घुटन की वजह से विलुप्त हो गए। इस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण इस प्रलय से वो बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधकार से भर गया था,
जिसकी वजह से धूप भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जीव विलुप्त हो गए थे। वातावरण में हानिकारक गैस होने की वजह से एक बार फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर से पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी पर बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। ये लगभग 80 से 90 हजार साल में ही ये बर्फ पिघल गई और जैसे ही पृथ्वी पर पहले जैसा वातावरण होने लगा, ये जीव वैसे ही जमीन से बाहर आने लगे और धीरे धीरे समय के साथ ये जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल के पेड़ पौधे खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में ये बंदर अपने पैरों पे चलना शुरू किया, जिसकी वजह से इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में आसानी होने लगी। धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित होने लगे। खाने की तलाश में ये वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के अनुसार बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग तक का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार तक और भाषा संस्कृति तक का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का समय लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जीव से इंसान बनने तक कई लाखों सालों तक का वक्त लगा है। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से एक विशालकाय परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में।